मध्य प्रदेश का किसान और मध्य प्रदेश की पैदावार दोनों कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने समूचे देश में नई मिसाल गढ़ी है। राज्य में कृषि वृद्धि दर पिछले कुछ सालों से डबल डिजिट में है, मौजूदा साल में तो ये 24% तक पहुंच चुकी है। कैसे कर रहा है मध्य प्रदेश का किसान ये कारनामा? शिवराज सिंह चौहान सरकार की इसमें क्या है खास भूमिका? ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस तो आप समझते ही होंगे, लेकिन क्या आपने ई खेती के बारे में कभी कहीं देखा या सुना है? चौंक गए ना, दिमाग चकरा गया होगा कि भला खेतों में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का क्या काम? लेकिन ये सच है कि ई खेती हो रही है और अपने देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में हो रही है। कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की तरक्की की तस्वीर देखना हो तो चलिए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके बड़वानी में। बड़वानी जिले के अंजड़ गांव के रहने वाले जयदेव पाटीदार न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश के किसानों के लिए भी मिसाल बन चुके हैं। जयदेव पाटीदार की पहचान ई खेती करने वाले किसान के रूप में है। जयदेव पाटीदार इज़राइल में बनी नेटाजेट नाम की इस कंप्यूटराइज्ड मशीन के जरिए अपने खेतों को खाद पानी देते हैं। इज़राइल की नेटाजेट नाम की इस मशीन का कनेक्शन अलग अलग पाइप्स के जरिए खाद और पानी की टंकियों से जुड़ा रहता है। इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें 15 से 30 दिनों का प्रोग्राम समय और जरूरत के मुताबिक फीड कर दिया जा सकता है। हम लोगों के पास जो इज़राइल की मशीन नेटाफेम कंपनी की है उसको नेटाजेट बोलते हैं, और उससे पूरा क्रॉप मतलब जो फसल हम लोगों ने लगा रखी है तो फसल में स्टेज मतलब उसकी उम्र के हिसाब से कितना पानी, कितना खाद और कब कब देना है। कंप्यूटर में दर्ज प्रोग्राम के माध्यम से पहले से फीड समय के अनुसार कुछ ही मिनटों में खेत की सिंचाई हो जाती है और खाद भी पड़ जाती है। इस काम के लिए किसी को काम पर रखने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जो बिजली 10 घंटे मिलती है तो 6 घंटे दिन को मिलती है, 4 घंटे रात को मिलती है। तो रात को जो 4 घंटे मिलती है उसमें किसान की मजबूरी रहती है, या तो उसको खेत पे रहना पड़ता है या फिर घर पे रह के मतलब वो 4 घंटे का उपयोग नहीं कर पाता है। वहीं अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने अपने सिस्टम में पूरा डाल रखा है, तो जैसे बिजली आती है उसके 15 मिनट बाद का जो प्रोग्राम मैंने बना रखा है, तो पूरा प्रोग्राम है दिन में बिजली आए या रात में बिजली आए, पूरे 10 घंटे का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है 10 घंटे में पूरा बढ़िया तरीके से हर फसल को रोजाना खाद और रोजाना पानी जाता है। किसानों को सब्सिडी देने वाला कोई प्रदेश था सबसे पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश था, जिसने गेहूं पर, धान पर, मक्का पर सब्सिडी दी। कृषक कल्याण आयोग का गठन करने वाला अगर कोई प्रदेश था तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश था और कोई था नहीं। कृषि के लिए अलग से बजट विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला हिंदुस्तान में अगर कोई राज्य था तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश था। कृषि कैबिनेट का गठन अगर हिंदुस्तान में कहीं हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश था। जयदेव पाटीदार बीकॉम तक पढ़े हैं और अब करीब 75 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। 25 एकड़ खेत उनके अपने हैं, जबकि 50 एकड़ जमीन उन्होंने दूसरे किसानों से लीज पर ले रखी है। जयदेव पाटीदार सब्जियां और कुछ हिस्से में फूल की खेती भी कर रहे हैं। जयदेव पाटीदार की खेती का टर्नओवर करीब 1 करोड़ है। आज हम एक तरफ की विकास की बात करते हैं, सिर्फ केमिकल, लेकिन उसके दुष्परिणाम अब हमको देखने के लिए मिल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार भी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बने जो ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाए। योजना इस तरह से बनाई गई है कि कंधे से कंधा मिलाकर शासन किसानों के साथ में है। जैसे अगर मिट्टी की तैयारी से लेकर खेत की कटाई और कटाई के बाद तक जहां जहां किसान को आवश्यकता होती है अनुदान की, जहां जहां किसान को आवश्यकता होती है आर्थिक मदद की, वहां पर किसान को कोई ना कोई योजना के माध्यम से शासन स्तर पर इस तरह की योजना है कि उनको किसानों को एक सपोर्ट और उनको एक सहारा मिलता है।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मुताबिक मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास की दर 10.19 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। किसान के लिए बनाई गई योजनाओं की मदद सही समय पर मिल रही है, जिससे प्रदेश के किसान खुशहाल हैं और कृषि वृद्धि दर डबल डिजिट छूने लगी है। एक ही दिल है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है, मध्य प्रदेश को पिछड़ा नहीं रहने देंगे। हिंदुस्तान के नंबर एक का राज्य बनाकर नंबर एक का कब बनेगा तब जब सबसे बेहतर हम खेती करने का प्रयास करेंगे। आज हम नहीं कहते मेरे बहन और भाइयों, आज जमाना कहता है कि कृषि विकास दर के मामले में अगर हिंदुस्तान में नंबर एक कोई राज्य है तो वह राज्य अपना मध्य प्रदेश है बहनों और भाइयों। मध्य प्रदेश सरकार खेती किसानी को लेकर कितनी जागरूक है, इसका पता इस बात से भी चलता है कि राज्य में कृषि के भारी यंत्रों पर 75% तक का अनुदान सरकार दे रही है। अब और कुछ लोगों से मिलिए, ये है रंजीत सिंह सिकरवार। कॉलेज में जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन जीव विज्ञान पढ़ाने के बाद जो समय बचता है उसे खेती में लगा देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ साल में सिंचाई में जो काम किया है, इसका फायदा प्रोफेसर साहब भी खूब उठा रहे हैं। सरकार की योजनाएं तो एक बहुत अच्छे पवित्र उद्देश्य से आती हैं। खेत में हॉर्टिकल्चर, फलोद्धान, सोशल फॉरेस्ट्री, वर्मी कल्चर, ये जो मेरे फॉर्म में आप देख रहे हैं सर, ये सब चीजें लॉन्च हो जाती हैं तो वह आत्मा योजना के अंतर्गत उस फॉर्म को लिया जाता है। सर का ये इंटरेस्ट था कि इस एनिमल में से पर्ल निकलता है जो जापान और चाइना कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमने कहा सर इसमें तो खर्चा बहुत आएगा, ये रिसर्च की चीज है, रिसर्च में क्या होता है सर, R&D लगती है, यानी होगा नहीं होगा, तो सिकरवार साहब ने लीड ली। मध्य प्रदेश में कृषि क्रांति सिर्फ बड़वानी तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं का फायदा खरगोन जिले के किसान भी जमकर उठा रहे हैं। खरगोन के करीब 1200 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इनमें 250 से ज्यादा तो ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से पूरी तरह मुक्त कर चुके हैं। खरगोन के किसानों के लिए देसी बीजों का एक बीज बैंक भी बनाया गया है, जिसकी मदद से किसान आपस में निशुल्क बीजों का आदान प्रदान भी करते हैं। खरगोन जिले में करीब 1000 से 1200 किसान जैविक विधा से ये खेती कर रहे हैं, तो हम लोग खेतों में जाके इनको देशी बीज भी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि जैविक खेती बिना देशी बीजों के हो नहीं सकती। मध्य प्रदेश के किसान मानते हैं कि उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं का अच्छा खासा फायदा हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार जैविक खेती के गुर सिखाने के लिए आत्मा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को ट्रेनिंग भी दे रही है। जबलपुर का जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जैविक खाद और जैविक कीटनाशक पर काम कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो जैविक खेती से उत्पादन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, इससे पैदा अनाज सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा साबित हो रहा है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में जो ये यूनिट चल रहा है जैव उर्वरक उत्पादन का, वो हमारे किसानों में काफी पॉपुलर होते जा रहा है। सरकार के साथ में मिलकर के हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया है और आज हम यहाँ पर 2 टन प्रतिदिन के उत्पादन कर रहे हैं इस बायो प्रोडक्शन सेंटर में। मध्य प्रदेश सरकार की जैविक खेती को बढ़ावा देने की कई वजह हैं। भूमिगत जल को प्रदूषण मुक्त रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। भूमिगत जल को सबसे बड़ा खतरा रासायनिक खाद और कीटनाशकों से होता है, लेकिन जैविक खाद के इस्तेमाल से किसान प्रति एकड़ 10,000 रुपए तक खाद और कीटनाशक का खर्च कम कर सकते हैं। 5 साल तक लगातार जैविक खाद के प्रयोग से खेत की मिट्टी में भी स्थायी रूप से खाद जैसे गुण पैदा हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जो किसानों से संबंधित जो गतिविधियां हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से शासन की तरफ से कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नारा लेकर चले हैं, जिसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये नाम मात्र के लिए ना कर वास्तविक रूप से मैदानी स्तर पर इसका क्रियान्वयन का जिम्मा हमारे ऊपर यानी कलेक्टर्स के ऊपर है। खेती की उनके परंपरागत तरीका है, उस परंपरागत तरीके में हम इंटरवेंशन करना चाहते हैं ताकि वो हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल पे की तरफ उनका वो हो, डाइवर्ट हो, और जो अभी उनकी इनकम
एक एकड़ पे लगभग वो एक एकड़ पे 5 से 6 हजार रुपए उनका आय होता है, वो आय बढ़कर के 30 से 40 हजार रुपए तक हो। मध्य प्रदेश के किसानों की एक बड़ी समस्या ये रही है कि कुदरती आपदाओं से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो कर्ज में डूब जाते हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों को इस चिंता से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। जब ब्याज किसान को नहीं लगेगा तो जितना मूलधन उसने बैंक से लिया है कोऑपरेटिव बैंकों से, वह मूलधन ही उसे वापस करना है, तो जो मूल लागत पे बहुत बड़ा भार किसान को जो ब्याज का लगता था वह सरकार ने वहन किया। बिजली किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है। बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी के भार से किसानों को बचाने के लिए 2015-16 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 5,500 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीब 18 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को निःशुल्क बिजली देने का फैसला भी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया है। इससे करीब 4.5 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। 24 साल के बाद उस इलाके में हमने पानी पहुंचाया, जहां पानी पहुंचे नहीं था, नहरें बनी, बांध में पानी भरा, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा था। हमने कोशिश की है कि पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग हो और वो पानी किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाए, और इसलिए सिंचाई का रकबा बढ़ा, लगातार बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र की हर सफलता को देश के सामने भी रख रही है, ताकि जो फायदा मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है उसकी झलक देश भर के किसान भी देखें। मेरा मध्य प्रदेश है। खेती में मध्य प्रदेश सरकार की योजना का फायदा उठाने वाले कुछ और किसानों से हम आपको मिलवाते हैं। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जिनकी काबिलियत के मुरीद खुद शिवराज सिंह चौहान सरकार है। ये वो किसान हैं जो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए रोल मॉडल हैं। देश विदेश से आने वाले किसानों के दलों को प्रदेश सरकार इनसे मिलवाना नहीं भूलती। इनसे मिलिए। ये हैं मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले डिंडौरी जिले के जसवंत जाट और उनके भाई बंसीलाल जाट। कई एकड़ खेत के मालिक होने के बावजूद कुछ साल पहले तक इन भाइयों की हालत ठीक नहीं थी। दोनों भाइयों के पास खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था। ऐसे में दोनों भाइयों ने ठान लिया कि अब खेती से ही अपना मुकद्दर बदलना है। दोनों भाई कृषि अधिकारियों से मिले और खेती में नया प्रयोग किया। जसवंत और बंसीलाल ने खेत में फसल की बुवाई, दवा का छिड़काव, बीज का चयन, बीज उपचार, एक एक बातों को समझा और उस पर अमल किया। धान की बोवनी कृषि अधिकारियों के निर्देशन में श्री पद्धति के हिसाब से की। कुछ ही महीनों में दोनों भाइयों की मेहनत का नतीजा सामने आया तो आसपास के गांव के किसान भी दंग रह गए। जी प्रशासन से दादी डॉक्टरों को बुलाते हैं, बोलने से आ जाते हैं जी। कृषि विभाग से हमारे को जब भी हम BTM को बुलाते हैं, KDO को बुलाते हैं, तुरंत हमारे पास आ जाते हैं और हमारी खेत की जो बीमारी को देख के हमारे को दवाई बताते हैं, उस तरीके से हम उनकी दवाइयों को डालते हैं, इसलिए हमारे को सही समय पर सही ढंग से डील करते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ता है। मध्य प्रदेश सरकार से मिली मदद के दम पर जसवंत जाट और बंसीलाल जाट ने एक एकड़ में 137 क्विंटल धान का रिकॉर्ड उत्पादन कर दिखाया। यही नहीं, 22 क्विंटल गेहूं भी उपजाया। बाद में बचे समय में इन दोनों भाइयों ने टमाटर और हरी मिर्च का बम्पर उत्पादन करके बता दिया कि अगर खेत में वाकई सही तरीके से मेहनत की जाए तो अच्छा खासा उत्पादन किया जा सकता है। दोनों भाइयों को अब बैंक भी कृषि लोन देने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। हमने इनको सब्जी के लिए भी लोन दिया, इसलिए अपने काम को बढ़ाते चले गए और हम इनकी सहायता करते चले गए। आज ये स्थिति है कि आज फसल देख रहे हैं आप कि डिंडोरी जिले में ऐसी फसल कहीं नहीं दिख रही है।
डिंडोरी में आलम अब ये है कि आसपास के किसान भारी संख्या में जसवंत जाट और बंसीलाल जाट से मिलने आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का फायदा कैसे ले सकते हैं ये जानने। मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर क्यों तेजी से बढ़ी है, इसकी एक झलक तो आपको मिल ही गई होगी। जानकार क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। तो सिंचाई क्षमता भी हमारे यहाँ बढ़ी है, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। दूसरी बात यह कि किसानों का कर्ज जो पुराना पड़ा हुआ था उसको माफ किया गया है। और जो सब में बड़ी बात यह हुई है कि बैंकों के द्वारा शून्य ब्याज पर किसानों को ऋण दिया गया है, और जो कुछ भी ऋण दिया गया है उसका भुगतान सरकार करती है। और अब मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर पर विपक्ष क्या कहता है ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने आज मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों में चले जाओ आप, समय पर बीज नहीं मिलता, समय पर खाद नहीं मिलती, समय पर लोन नहीं मिलता, क्रेडिट कार्ड का पैसा समय पर नहीं मिलता। इतनी परेशानियां हैं सहकारी बैंक के माध्यम से जो आ है, क्योंकि सहकारी बैंक को पूरा लगभग समाप्त कर दिया है सरकार ने, और उसका परिणाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और कृषि का आधार सिंचाई। मध्य प्रदेश में वाटर सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट में 30 जिलों में 229 परियोजनाओं को नया रूप दिया गया है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां 30 वर्ष बाद सिंचाई की सुविधा मिली है। मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे बड़ा फायदा शिवराज सरकार के नर्मदा और शिप्रा नदियों को जोड़ने के फैसले से मिला। मध्य प्रदेश में 10 साल पहले 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 36 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। सिंचाई के क्षेत्र में हासिल इस सफलता पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर चुके हैं। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए शिवराज सिंह चौहान सरकार को अब तक 3 बार राष्ट्रपति से कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। जो कभी बीमारी चला पिछड़ा प्रदेश पर से बीमारी प्रदेश पर से बीमारी का कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ था, आप सबके सहयोग से बहनों और भाइयों गर्व के साथ मैं कहता हूँ हमने बीमारी के कलंक को मध्य प्रदेश के माथे से हटा दिया है। मध्य प्रदेश आज ऐसा राज्य बन गया है कि जिसकी विकास दर 1 साल नहीं 2 साल नहीं लगातार 7 सालों से दहाई में बनी हुई है, डबल डिजिट में बनी हुई है, 10 के आसपास बनी हुई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले धार पर नजर डालें। धार की दलहन और सब्जियों की मांग पूरे देश में है। किसान मानते हैं कि उनकी मेहनत और सरकारी योजनाओं का बड़ा फायदा हो रहा है। शासन की योजनाओं में एक मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना एक है, जिसमें जिले के अंदर भ्रमण, राज्य के अंदर भ्रमण और प्रदेश के देश के अंदर भ्रमण कराए जाते हैं, जिससे कि किसानों को अलग अलग जो प्रगतिशील किसान उनके खेतों पर या अनुसंधान केंद्र है वहां पर भी उन किसानों को ले जाया जाता है, जिससे कि किसान वहां पर नई नई तकनीक सीखकर उनका अंगीकरण करते हैं और उन नवाचारों को अपने खेतों पर उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश के खेतिया में रहने वाले किसान बालकृष्ण गोविंद पाटिल भी ऐसे किसान हैं जिन्होंने कम समय में खेती में उम्मीद से ज्यादा फसल काटी है। मध्य प्रदेश सरकार की योजना का लाभ उठाकर बालकृष्ण पाटिल अपने इलाके में एक अलग पहचान रखते हैं। जैविक खेती से हमें अच्छा लाभ भी मिला है। लास्ट ईयर मिर्च में अच्छा उत्पादन लिया था हमने, हमने 1 एकड़ में लगभग 300 क्विंटल मिर्च लिया था पिछले साल। हमारे क्षेत्र में जो अधिकतर किसान है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में केला लगाते हैं, पपीता लगाते हैं और मिर्च का उत्पादन भी यहाँ अच्छा लेते हैं, और इन्हीं तरीके के किसानों के संपर्क में हम रहते हैं और इन्हीं को शासकीय योजनाओं का जो लाभ हम दे रहे हैं उन्हीं को देते हैं। मध्य प्रदेश का सीहोर जिला शरबती गेहूं की बेहतरीन क्वालिटी और स्वाद के लिए देश में अलग पहचान रखता है। सोयाबीन के उत्पादन में भी सीहोर के किसानों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग गांव में समय समय पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि किसान का जहां खेत है वहां तक सड़क भी जरूर पहुंचे।
क्योंकि सड़क के जरिए ही खेतों तक तकनीक और मंडियों तक किसानों की फसल पहुंचती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस ओर तेजी से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश की कृषि के क्षेत्र में तरक्की से सरकार का जोश दुगना है। यही वजह है कि शिवराज सिंह सरकार अब कई और ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जिनके बारे में अभी दूसरे राज्यों ने सोचना भी शुरू नहीं किया है। सफरनामा में आज बस इतना ही।